أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान दोस्तों, कुरान में शख्सियत के जो नमूने पेश किए गए हैं उस पर हमारी गुफ्तगू जारी है और हमने देखा कि चार अलग अलग शख्सियतों का पिक्चर या उसकी तस्वीर अल्लाह ने कैसे पेश की। नंबर एक ये वो लोग जो खुदा को पेन किलर के हिस्से से इस्तेमाल करते हैं, दूसरी शख्सियत वो जो दीन को बहसत सीढ़ी के इस्तेमाल करते हैं दुनियावी तरक्की के लिए, फिर हमने बताया था कि सकीनत वाली शख्सियत कैसी होती है, फिर उसके बाद शख्सियत के अंदर जो कश्मकश है रूह और जिस्म के दरमियान और उसके तकाज़ों के दरमियान जो कश्मकश होती है उस पर हमने गुफ्तगू की है। आज पांचवी तस्वीर है या पांचवा नमूना है वो है मुतवाजिन शख्सियत, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कैसे होती है, कुरान में उसकी क्या तस्वीर बयान की गई है, इस पर मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। मैंने एक आयत तिलावत की है सूरह कसस से और ये सूरह नंबर 28 है और आयत नंबर 77 है, एक आयत की मैंने तिलावत की है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगाम दिया है कि मुतवाजिन शख्सियत, हमारी शख्सियत को हम कैसे बेहतर बनाएं, उसका तस्करा मिलता है। तर्जुमा यह है कि वबतगी फी मा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसके ज़रिए से तुम आखिरत के घर बनाने की फ़िक्र करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दूसरी बात यह है कि दुनिया में भी अपना हिस्सा न भूलो। तीसरी बात यह फरमाई गई वा अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, और अल्लाह ने तुम्हारे साथ जो एहसान का रवैया इख्तियार किया तुम भी वैसा ही दूसरों के साथ एहसान की रविश इख्तियार करो। और चौथी बात यह है कि वला तबगिल फसाद फिल अर्द, और ज़मीन में फसाद बरपा ना होने पाए ये तुम्हें करना चाहिए कि ज़मीन में फसाद ना बरपा करें, इसका ख्याल करना चाहिए, इसका अहतमाम करना चाहिए। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, बेशक अल्लाह ताला फसाद बरपा करने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत बताती है कि रूह और जिस्म इन दोनों के तकाज़ों को बैलेंस करने का या इस कश्मकश को दूर करने का एक ही तरीक़ा है, वो तवाज़ुन पैदा किया जाए, ना रूह के तकाज़ों को नज़रअंदाज किया जाए ना जिस्म के तकाज़ों को कुचला जाए, इन दोनों के बीच में तवाज़ुन को इख्तियार करना ही एक सल्यूशन है। और मुतवाजिन शख्सियत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का मतलब यह है कि शख्सियत ऐसी हो जिसमें दो मुतजाद डिमांड्स, दो बाईपोलर यूनिटी, मैंने जैसे कहा कि इंसान बाईपोलर यूनिटी है, तो दोनों के तकाज़ों को पूरा करना यही एक सही रवैया है जिससे बैलेंस्ड पर्सनैलिटी पैदा होती है। किसी एक पहलू को भी नज़रअंदाज कर देना इस्लाम के नज़दीक सही नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये पस मंज़र या बैकग्राउंड में बताऊं कि सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला ने तवाज़ुन पर कायम किया है। वश्शम्स वल क़मरु यस्जुदान वस्समा रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आसमान और ज़मीन की कायनात का तस्करा करके कि सूरज भी सजदा करता है और दरख्त भी उसकी इबादत करते हैं, और उसके बाद उसने कहा कि सारी कायनात को उसने एक तवाज़ुन पर, एक मीज़ान पर कायम किया है। और तुम्हें भी चाहिए अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान, तुम्हें भी चाहिए कि अपनी इंफरादी ज़िंदगी में और समाजी ज़िंदगी में कभी तवाज़ुन और अदल के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतने लाखों करोड़ों मिलियंस एंड बिलियंस सेलेस्टियल बॉडीज़, अल्लाह ताला ने कुर्रे पैदा किए, तारे, चांद, सितारे, सूरज, बहुत सी चीज़ें अपने अपने मदार में आर्बिट में घूमते हैं, और बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक का आर्बिट दूसरे के आर्बिट में ओवरलैप करता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से घुसकर निकलते हैं तो ज़रा बराबर भी टकराव की कैफियत पैदा नहीं होती। बहुत तवाज़ुन के साथ, बैलेंस के साथ हर कुर्रा जो है, हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूमता है। अल्लाह ताला ने इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस पर कायम किया। इस दुनिया को भी आप देखिए तो हर चीज़ में एक बैलेंस है। ज़मीन को अल्लाह ताला ने 23.5 डिग्री सुलाया, 25 नहीं किया, 20 नहीं किया, उससे मौसमों की तब्दीली पैदा होती है, उससे बैरोमेट्रिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, बहुत से फ़वाद हैं उसके। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मीज़ान पर, तवाज़ुन पर कायम किया। ये यूनिवर्स का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक आफाकी कानून है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जिस्म के अंदर भी तवाज़ुन पाया जाता है, और मुझसे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर मतीन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज़म कायम किया है कि अपने आप से बैलेंस होते रहता है। बहुत सी चीज़ें इंसान करता है और बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं।
जैसे कि बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ जाए तो बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म के खुद ब खुद अर्क आलूद होकर पसीना निकाल कर बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर लेता है। और इसी तरह से खून के अंदर एनर्जी की कमी हो जाए तो भूख का तकाजा होता है, इंसान दो चार रोटी खाने के गज़ा पाने के बाद उस कमी को बैलेंस कर लिया जाता है। इंसानी सेल्स के अंदर अगर पानी की कमी हो जाए तो प्यास लगती है और आदमी पानी पीता है तो उस कमी को पूरा कर दिया जाता है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने बैलेंस कायम कर रखा है। मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा बेहतर मिसालों से बता सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिकली जो है अल्लाह ताला ने तवाज़ुन खुद बैलेंस की तरफ इंसानी जिस्म चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शरीयत के अंदर भी तवाज़ुन है। शरीयत के अंदर यह है कि किसी ज़माने में कहा जाता है कि रोज़ा रखते थे तो लोग मुसलसल रोज़ा रखते थे, इजाज़त थी और ना जिनसी ख्वाहिशात की तकमील की इजाज़त थी। इस्लामी शरीयत की खासियत है कि उसमें एतदाल पाया जाता है। उसमें आप देखें कि एक वक्त मुकर्ररात अगर भूखे रहेंगे फिर उसके बाद आपको खाने की इजाज़त है। एक वक्त मुकर्ररात तक जिनसी ख्वाहिशात को आदमी कंट्रोल करेगा और उसके बाद उसकी तकमील की इजाज़त दी जाती है। ये इस्लाम में यह है कि तवाज़ुन आपको हर इसमें मिलेगा। इनफरादी इबादतें भी हैं, इज्तिमाई इबादत का भी तसव्वुर मिलता है। इन्फाक में आप जितना चाहें खर्च कर सकते हैं लेकिन लाजिम है कि 2.5% आप खर्च करें। तो ये तवाज़ुन इस्लामी शरीयत का भी तकाज़ा है। यूनिवर्स में भी तवाज़ुन है, इंसानी जिस्म में भी तवाज़ुन है और शरीयत में भी तवाज़ुन है। सबसे बेहतरीन मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, ज़ात अक़दस, कि आपकी शख्सियत से ज़्यादा मुतवाज़िन शख्सियत दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इसीलिए दी 100 नाम की जब किताब माइकल हार्ट ने लिखी तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नंबर का रैंक दिया उसने और कहा कि मेरा नंबर एक रैंक देना मेरे बहुत से पढ़ने वालों को मुताज्जिब करेगा, ताज्जुब करेंगे कि मैं क्रिश्चियन होते हुए मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नंबर एक दिया। और उसने कहा है कि मैंने पूरी दुनिया की तारीख में आपसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल आदमी नहीं देखा जिसने रूहानी मैदान में भी और मादी मैदान में भी एक सा तरक्की पाई और एक सा जो है उरूज और कमाल को कोई शख्सियत अगर पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एज ए रूलर आप देखना चाहते हैं तो इंतहाई दर्जे पर आप पहुँचे। अगर ये माशियात के माहिर की हिसाब से देखना चाहते हैं तो दुनिया को एक बेहतरीन माशी निज़ाम आपने दिया। और रूहानी एतबार से भी अगर आप देखना चाहते हैं तो रात रात भर हुजूर खुदा के हुजूर खड़े होकर इबादतें करना और पैरों में वर्म आ जाते थे इस हद तक आप इबादत करते थे। दोनों पहलुओं में कभी आपने रूह के तकाजों को भी अधूरा नहीं छोड़ा और जिस्म के तकाजों को भी कभी आपने अधूरा नहीं छोड़ा। यह है इस्लाम में तवाजुन। शख्सियत तवाजुन से बनती है। और मैंने इससे पहले भी बताया कि इस वक्त दुनिया दो एक्सट्रीम का शिकार है। एक एक्सट्रीम यह है कि साहब प्लेजर सीकिंग, आदमी चाहता है कि उसे लज्जत ही लज्जत मिले, हीडोनिज्म जो तसव्वुर है जिसमें इंसान प्लेजर सीकिंग मैक्सिमाइज करना चाहता है, खाओ पियो ऐश करो सेक्स और गाने और बजाने और म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जिसके नतीजे में रूह बीमार हो जाती है, रूह का कोई तकाजा पूरा नहीं हो पाता। ये मादियत की तरफ जो लोग जाते हैं एक्सट्रीम में उनके यहाँ रूह के तकाजे अधूरे हो जाते हैं, ना उनके यहाँ इबादत है, ना उनके यहाँ चैरिटी है, ना अखलाक है, ना किरदार है। दूसरी तरफ बाज लोग हैं जो मजहब को पकड़ते हैं तो दुनिया को छोड़ देते हैं। जैसे मैंने परसों में खाली में तस्करा किया था कि अजंता के केव्स, एल्लोरा के केव्स, ये सब बताते हैं कि उनके भक्षु और उनके जो मजहबी पंडित और पुरोहित थे वो दुनिया को छोड़ देते हैं, न शादी न बियाह न तिजारत न बच्चे कुछ नहीं, गुफों में और गारों में बैठकर अल्लाह को याद करते हैं। तो दुनिया के और जिस्म के तकाजे अधूरे रह जाते हैं। इस्लाम ने इन दोनों के बीच में तवाज़ुन का रवैया अख्तियार किया। ना दुनिया को आप तर्क करेंगे ना आप आखिरत और रूह को तर्क करेंगे। अब आप देखिए इसमें चार पॉइंट का फार्मूला है। पहला फार्मूला है वबतगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, अल्लाह ने तुमको जो कुछ दिया है उससे पहला काम यह है कि आखिरत का घर बनाओ। यानी फोकस बिगनिंग विद द एंड इन माइंड, ये कहते हैं कि आदमी शुरू कहाँ से करे, जहाँ ख़त्म होना है वहाँ से शुरू करे। तो हमारा जो इख्तिताम है वो आखिरत पर है, इसलिए हमारा सबसे पहला काम दुनिया में हमारा जो बिगनिंग है जो भी काम का होगा वो कीपिंग द एंड इन माइंड, आखिरत को याद रखकर आदमी अपने दुनिया की ज़िंदगी को बनाना चाहिए। तो पहला उसूल ये है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कोवई का जुमला है, उसने ये इस्तेमाल किया है अपनी किताब में भी। आखिरत का घर बनाने की फिक्र करो, ये फार्मूला नंबर एक है। आखिरत का घर से मुराद रूह की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और अल्लाह ने तुमको जो कुछ दिया है उसमें से आखिरत का घर बनाओ। अल्लाह ताला ने तुमको जवानी दी है तो जवानी को आखिरत बनाने के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने तुमको दौलत दी है तो उस दौलत को आखिरत का घर बनाने के लिए तैयार करो। अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है तो इल्म को आखिरत के लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर एक्सपर्टाइज अता किया है तो उस फन को उस सलाहियत को आप आखिरत को बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको लिखने की, अल्लाह ने आपको बोलने की, अल्लाह ने आपको बेहतरीन गाने की सलाहियत दी है तो उसके ज़रिए से आखिरत को कैसे हम तैयार कर सकते हैं आदमी सोच सकता है, बहुत से ज़राए हैं। तो
कहा कि फीमा आता कल्ला, अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसके ज़रिए से आखिरत का घर बनाओ, यानी पहला फार्मूला यह है कि आखिरत पर निगाह रखो। दूसरा यह है कि आदमी इतना आखिरत ओरिएंटेड ना हो जाए कि दुनिया की ज़िंदगी को भूल जाए, दुनिया के तकाजों को भूल जाए, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। वला तंसा नसीबक मिनत दुनिया, दुनिया में भी अपना हिस्सा ना भूलो। दुनिया में रहते हो तो खुशहाल रहो, अच्छी तिजारत करो, खूब दौलत कमाओ, पढ़ो लिखो, सलाहियतों को पैदा करो, सब चीज़ें करने की इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन सेकेंडरी है, नंबर दो पर है। पहला उसूल ये है कि आखिरत को याद रखें, दूसरा उसूल ये है कि बी प्रैग्मेटिक। आखिरत ओरिएंटेड का ये मतलब नहीं है कि आदमी दुनिया को फरामोश कर दे, दुनिया को छोड़ दे, ये नहीं है। इसमें भी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इस मामले में हमारे लिए रहनुमा हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू एक नौजवान लड़के से, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से हो रही थी। मैंने उससे पूछा आजकल रमज़ान में क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं सीरत पर लेक्चर सुन रहा हूँ। फिर उससे बहुत सी बातें बताएं, मैंने कहा कि ठीक है, जब भी हम पढ़े लिखें, इल्मी बातें हम पढ़े लिखें, लेकिन ये भी देखें कि मेरे लिए क्या रिलेवेंस है। हमारी उम्र, जिस लड़के से मैंने बात की मैंने बताया कि अगर तुम्हारी उम्र 20 और 30 के दरमियान है तो मुझे ये बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 20 और 30 के दरमियान कैसे रही। मुताला तो करें दुनिया भर की चीज़ों का, लेकिन रिलेवेंस ये है कि 20 और 30 के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे रही। वला तंसा नसीबक मिनत दुनिया, आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 20 और 30 के दरमियान बहुत बैलेंस शख्सियत थी, और आप उन सब चीज़ों को देखेंगे जो इस वक्त हमारे पास मिसिंग एलिमेंट है। देखिए 20 साल की उम्र में आपने तिजारत शुरू की और कामयाब ताजिर थे, ज़बरदस्त मुनाफा कमाते थे। बीवी खतीजा ने आपके पास इन्वेस्टमेंट किया और बीवी खतीजा ने एक अमाउंट आपको एक शेयर देने का वादा किया, और बीवी खतीजा इससे पहले बहुत से लोगों के पास इन्वेस्ट करती रहीं, लेकिन इस बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर गए और वापस लौटे तो आम तौर पर बीवी खतीजा को जो मुनाफा मिलता था उसका डबल मुनाफा मिला। मतलब बिजनेस में भी आप एक्सेलेंट थे और बहुत ज़बरदस्त फायदा कमाए, कभी 20 बरस की उम्र में। तो बीवी खतीजा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब डबल जो है रिटर्न दिया है, तो उन्होंने जो वादा किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेयर देने का उसे भी उन्होंने डबल कर दिया। 20 साल की उम्र में बहसत ताजिर, शानदार आपने तिजारत की। एक किताब है द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद के नाम से, एक अमेरिकन आदमी था मिलिट्री का एक्सपर्ट, जोर्डान वगैरह में उसने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जोर्डान में कुछ दिन वहाँ रहा, तो ज़माने में उसे पहली मरतबा मुसलमानों को, अरब को देखने का मौका मिला, फिर अरब की तारीख को उसने मुताला किया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने एक शानदार किताब लिखी, आप नेट पर भी मिल सकता है, देख सकते हैं, द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद के नाम से। उस किताब में उसने लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल की उम्र में जब सफ़र के लिए निकलते थे तो एज ए कारवान लीडर, कारवान के कायद की हैसियत से आपने बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए। बताया उसने कि कारवान जब चलता था तो कारवान के निकलने से पहले आप मंसूबा बनाते, फिर लोगों को ऐलान करते कि फ़लाँ तारीख को हमारा काफिला निकलेगा और फ़लाँ जगह जाएगा, किधर जाना है वो तय होता है, डेस्टिनेशन पहले तय होता है, उसका ऐलान करते, उसकी मुनादी कराते, फिर बताते कि लोग हमारे पास नाम लिखाएं, फिर उसके बाद 10-15 दिन में नाम लिखा देते थे, लोग लिखा देते थे, तो आप एक तरतीब के साथ कबीलों के ग्रुप बनाते इसलिए कि मैनेजमेंट में आसानी होगी, कि बहुत से कबीले अलग अलग थे, बनू हाशिम भी थे, कुरैश भी थे और फलां फलां कबीले थे, तो उनके ग्रुप बनाते, फिर जितने लोगों की तैदाद आती उसके लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट का इंतज़ाम करते और घोड़ों का इंतज़ाम करते थे, फिर जब सब इंतज़ाम हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जितनी खुराक चाहिए मंजिल को पहुँचने तक उन सब का पूरा इंतज़ाम आप करते थे। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लीडरशिप का मुजाहरा किया 20 बरस की उम्र में। फिर वो सब जब हो जाता तो आप इमरजेंसी के लिए कुछ रकम छुपा कर रखते थे, जो किसी को काफिले के किसी फ़र्द को नहीं मालूम होता था, कभी ऊंट का जो कुजावा जिस पर वो बैठते हैं उसके अंदर छुपा कर सिलवा देते थे, कभी घोड़े पर जो कपड़ा डालते वो, या कभी किसी और बैगेज में आप इमरजेंसी के लिए कुछ रकम रखते थे जो काफिले के किसी फ़र्द को नहीं मालूम होता था वो भी रखते थे। फिर उसके बाद आप एक दो एक्सपर्ट को लेते थे मक्के से जो यमन तक का रास्ता या मिस्र मुल्क शाम तक का रास्ता बता सकें, तो ये भी तरीका है लीडरशिप में कि आप एक्सपर्टाइज को इस्तेमाल करें, हर काम आदमी खुद नहीं कर सकता, लीडरशिप का कमाल ये है कि डेलीगेट करे काम, लोगों से काम ले, डेलीगेशन दे। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे कि मंजिल से ज़रा पहले जाते थे और जिन काफिलों जिन कबीलों से गुजरना होता था, उस ज़माने में कबीले लूट लेते थे, तो कबीले के सरदारों से बात करनी पड़ती थी और उनको एक सेफ्टी अमाउंट देना पड़ता था, जब तक कि आप वो ट्रेड नहीं कर लेते उनसे, वो डीलिंग नहीं कर लेते, आपका काफिला सलामती से गुजर नहीं सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि जब आप डायलॉग करते थे उन कबीलों के लीडरों से तो सक्सेसफुली बहुत कम बार्गेनिंग में काम चुका लेते थे,
इससे पहले के जो लीडर थे वो काम नहीं कर सकते। आपकी शख्सियत का किरदार और उसकी अजमत का हाल ये था कि अजनबी कबीलों से गुजरते, रास्तों से गुजरते, वहाँ के लीडरों से आप बात करते तो बड़ी आसानी के साथ या तो उनको अखलाकी तालीम सुनाकर आप निकल जाते या फिर कम अमाउंट में उनसे बार्गेनिंग करके सेफ्टी अमाउंट देकर निकलते थे। मतलब उसने बताया है कि 20 साल की उम्र में एज ए लीडर, कारवान लीडर, आपने क्या कारनामे अंजाम दिए। दुनिया के हिसाब से भी आप एक बहुत कामयाब ताजिर थे। मैंने एक मरतबा कैलकुलेट किया कि 25 बरस की उम्र में जब आपने शादी की बीवी खतीजा के साथ, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक सीरत की किताब है सीरत सरवले आलम, उसमें उन्होंने लिखा है कितना औकिया, कितना सोना चांदी वगैरह दिया मेहर में। उसको मैंने आज के हिसाब से कन्वर्ट करके देखने की कोशिश की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खतीजा को 40 लाख रुपये बहसत मेहर दिए। इमेजिन नहीं कर सकते हम 40 लाख रुपये दें। हमारा जो बिजनेसमैन है, जो बहुत बड़ा से बड़ा आदमी भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता महर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 लाख रुपए बहसे थे महर दी। कितना आपने कमाया होगा उस ज़माने में, उतने सिक्के आपने बीबी खतीजा को दिए। वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया में भी अपना हिस्सा ना भूलो। फिर सोशल वेलफेयर के लिहाज से आप देखते हैं कि जब आपकी उम्र 24 बरस की थी, उस ज़माने में एक मक्के में काफिला आया और उसका उसकी जो रकम थी मक्के वालों के हवाले उन्होंने नहीं दी। जब वो काफिला जा रहा था यमन की तरफ, वो लोग बहुत गालियां बके, वो लोग गाली बककर गए कि मक्के के लोग लुटे रहे हैं, चोर हैं, मैं हमारे पैसे नहीं दिए। तो उसमें अब्दुल्ला बिन जदान नाम का एक आदमी था, उसे बहुत बुरा लगा कि सारे मक्के के लोगों पर यह इल्ज़ाम धर दिया जाए कि हम जो है लूट लेते हैं, लोगों के पैसे खा जाते हैं। तो उसने अब्दुल्ला बिन जदान, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया और नौजवानों को उसने जमा किया, जिसमें 40 के आसपास की उम्र के थे। एक यंग लड़के को उसने इजाज़त दी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनकी उम्र 24 बरस थी, और उस ग्रुप में बैठकर उन्होंने हिल्फुल फजूल नाम का एक इदारा बनाया था। हिल्फुल फजूल क्या था? द सोसाइटी फॉर द अप्रेस्ड, जो मजलूम हैं उनकी मजलूमों की दाद रसी के लिए एक तंजीम बनाई गई, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशवेशर हैं और बहुत कारनामा अंजाम दिया। 20 से 30 बरस की उम्र में आपने जो काम किया, वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया में भी एक कामयाब सोशल एक्टिविस्ट, एक कामयाब ताजिर, एक कामयाब शौहर, एक कामयाब बाप के हिस्से से किरदार रोल अदा करना चाहिए। कुरान बताता है बैलेंस पर्सनैलिटी, आखिरत पर निगाह रखें, नंबर एक है। नंबर दो यह है कि दुनिया में भी एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें और कामयाब ज़िंदगी बसर करें। उसके लिए आला तरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये एट इंडिविजुअल प्लेन, फ़र्द की सतह पर रूह के तकाजों के लिए आखिरत को याद रखना, जिस्म के तकाजों के लिहाज से दुनिया में भी अपना हिस्सा ना भूलना। अब सोशल प्लेन पर, समाजी सतह पर भी रूह के कुछ तकाजे हैं और जिस्म के कुछ तकाजे हैं। सोशल प्लेन पर, समाजी प्लेन पर कहा वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, और लोगों के साथ तुम वैसा ही एहसान करो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया। बाप बताइए कि अल्लाह ने हम पर जो एहसान किया हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं अल्लाह ताला के एहसानात को और उसके नेमतों को? वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान ने कहा कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें। जब अल्लाह ने तुमको इतनी नेमतों से नवाजा तो उसका तकाजा यह है कि रेसिप्रोकेशन किया जाए, तुम भी एहसान लोगों के साथ करो। ये अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम की तालीम दी। देखिए इससे रूह हमारी ताज़ा होती है, मजबूत होती है, रूहानी तौर पर आदमी जमा होता है जब वो दूसरों के साथ एहसान का रवैया अख्तियार करता है। इंडिविजुअल सतह पर बताया गया कि आखिरत को पेश नज़र रख कर काम करें, समाजी सतह पर कहा गया कि लोगों के साथ एहसान का रवैया अख्तियार करें। अल्लाह ने हमारे साथ कितने एहसानात किए, अल्लाह तबारक तआला ने हमको एक अच्छी ज़िंदगी दी, तालीम से नवाजा, ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात मुहैया की, अच्छी बीवी दी, प्यारे बच्चे अता किए, घर कार बंगला तिजारत मईशत क्या नहीं दिया अल्लाह ताला ने, इज्जत दौलत सरवत सब कुछ नवाजा। इस एहसान का बदला ये है कि हम भी लोगों के साथ एहसान करें, जिन लोगों को जो अवेलेबल नहीं है उनको वो फराहम करें। अल्लाह ने हमको इल्म से नवाजा, मालूम हुआ कि साहब हमारे माशरे के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इल्म से कोरे हैं, तो वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक का मतलब ये हुआ कि तुम भी लोगों के दरमियान इल्म आम करने के लिए काम करो। अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा, बहुत से लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए खुराक का इंतज़ाम करें, उनके लिए हम राशन का इंतज़ाम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सेहत से नवाजा है, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग सेहत के जो ज़राए हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको हम मुहैया करें, वो फराहम करें, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जो अल्लाह ने हमको दिया है वो लोगों तक देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी देन अल्लाह ताला की तौफीक है, हिदायत है, दीन इस्लाम है। और जिन लोगों को दीन नहीं मिला, इस्लाम नहीं मिला, तौफीक नहीं मिली, उन तक दीन को पहुंचाना, तौफीक को पहुंचाना, इस्लाम को पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये रूहानी ज़रूरत है हमारी, रूहानी तकाजा है, और ये करे बगैर हम रूहानी तरक्की नहीं कर सकते।
वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलाइक का मतलब है बी ह्यूमैनिटेरियन। चार पॉइंट का फार्मूला है ना, पहला फार्मूला है कि बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड, दूसरा फार्मूला है बी प्रैग्मेटिक, तीसरा फार्मूला ये बताया गया बी ह्यूमैनिटेरियन, इंसान नवाज बनो, इंसानियत नवाज बनो, इंसानियत का दर्द पैदा करो। और आखिरी बात अल्लाह तबारक तआला ने ये फरमाई है कि वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद बरपा ना करो। हम नहीं करते, कोई और फसाद बरपा करे तो उसे फसाद बरपा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उसे हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हमारा इज्तिमाई मौक़िफ़, हमारी इज्तिमाई क़ुव्वत, हमारी इज्तिमाई साख और हमारा इज्तिमाई रेप्यूटेशन इतना ऊंचा होना चाहिए कि कोई हमारे होते हुए ज़मीन के अंदर फसाद बरपा न कर सके। लेकिन अलमिया है उम्मत का कि उम्मत मुस्लिमा इस ज़मीन पर बस्ती भी है और इस ज़मीन पर जुल्म भी होता है, मुसलमानों पर भी होता है और शेड्यूल कास्ट पर, शेड्यूल ट्राइब पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, सब पर जुल्म होता है। कुरान ने कहा कि ज़मीन में फसाद बरपा नहीं होना चाहिए, यह हमारी समाजी जिम्मेदारी है। देखिए आप, रूह की जिम्मेदारी और जिस्म की जिम्मेदारी, रूह के तकाज़े और जिस्म के तकाज़े, अल्लाह तबारक तआला ने कितने बेहतरीन पैराए में एक करने का काम, एक नहीं करने का काम, एक करने का काम, एक नहीं करने का काम, आखिरत पर निगाह रखो करने का काम, दुनिया को ना भूलो नहीं करने का काम, आखिरत पर निगाह रख के एहसान करो ये करने का काम, जो नहीं करने का काम है वो फसाद बरपा ना करो। तो इस तरह से इस एक आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ, जामियत के साथ अल्लाह ताला ने मुतवाजिन शख्सियत के खदोखाल, उसके पिक्चर भी अल्लाह ताला ने पेश की है और करने के डूज और नहीं करने के डोंट भी अल्लाह तबारक ताला ने बहुत जामे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ इस आयत के अंदर पेश किया गया है। ये है हमारे लिए मुतवाजिन शख्सियत बनने का फार्मूला। और अगर ये नहीं है तो लोगों की निगाहों में बाज़ दूसरी चीज़ें होती हैं जिनमें उलझ कर वो आखिरत के घर को फरामोश कर देते हैं। कुरान ने बताया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल खनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ा वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया। जो दुनिया परस्त लोग होते हैं उनके यहाँ ये छः चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक औरतें, सेक्सुअल डिज़ायर। नंबर दो फैमिली। नंबर तीन कहा वल खनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ा, यानी ये कि सोने और चांदी के ढेर लगाए हुए माल, जिसे हमारी ज़बान में कहना चाहते हैं बैंक बैलेंस। चौथी चीज़ है वल खैलिल मुसव्वमा, सिधाए हुए घोड़े, सीधा घोड़े, सील्ड, जिस पर मोहर लगती थी, बहुत कीमती घोड़े, आज हमारे लिए व्हीकल्स हैं। बच्चा ज़रा पाँचवीं छठवीं की जमात को आता है, साइकिल पूछता है और साइकिल 10,000 से कम की नहीं पूछता। ज़रा लड़का और जवान हुआ तो बाइक्स पूछता है, आज के ज़माने में 1,00,000 रुपए की बाइक पूछता है। हमारी तरह नहीं है कि सेकंड हैंड हीरो होंडा से भी काम चला लें जो 5-10,000 की चले, नहीं। देखिए ज़माना किस तरह से, और बड़ी उम्र को हुआ तो कार तलब करता है, और इंसान कार मांगता है तो उसमें करोड़ों की कारें होती हैं। वल खैलिल मुसव्वमा का मतलब है इंसान जो व्हीकल्स का ख्वाहिशमंद है, दुनिया परस्त लोगों के सब उनके तवज्जोहात हैं। उसके बाद कहा वल अनआम, मवेशी। मवेशी का मतलब है लाइवलीहुड। किसी ज़माने में बकरियां पाल कर लोग जिंदा रहते थे, आज सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना, इंजीनियर, डॉक्टर और फलां बनना, ये इंसान का मतमय नज़र, उसका मकसद है। और छठी चीज़ वाल हर्स, खेतियां, लैंड बैंक, प्रॉपर्टीज़ बनाना, ज़मीनात को ख़रीदना, जमा करके रखना। ये छः चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया जो दुनिया परस्त होते हैं, जो शख्सियत मुतवाजिन नहीं होती है, बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं होती है, उसके नज़दीक ये छः चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक सेक्सुअल डिज़ायर, नंबर टू फैमिली, नंबर तीन बैंक बैलेंस, नंबर चार व्हीकल्स, नंबर पाँच लाइवलीहुड और नंबर छः प्रॉपर्टीज़ और लैंड बैंक। इस पर इंसान की निगाह होती है, ये गैर मुतवाजिन शख्सियत की तस्वीर है। मुतवाजिन शख्सियत की तस्वीर ये है कि ये चार काम करते हैं, आखिरत पर निगाह रखकर काम करते हैं, दुनिया में भी अपना हिस्सा नहीं भूलते, तीसरा काम ये कि लोगों के साथ एहसान का रवैया अख्तियार करते हैं, और चौथी बात यह कि ज़मीन में फसाद बरपा नहीं करते और बरपा होने नहीं देते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान के बताए हुए तालीमात की रोशनी में अपनी शख्सियत को मुतवाजिन शख्सियत बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताबें चाहिए?